खबर है कानपुर से, जी आपको बता दें कि गोरखपुर के एक होटल में हुई कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में योगी सरकार ने मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण के लखनऊ स्थित 3 मंजिला मकान पर बुलडोजर चला दिया है। वहीं इस मामले में मृतक की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने थोड़ी संतुष्टि जाहिर की। वहीं मीनाक्षी ने कहा कि खाकीधारी के मकान पर बुलडोजर चलाने का मतलब है कि कानून का राज है। वहीं मुख्यमंत्री ने साबित कर दिया कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ आम अपराधी जैसा ही सलूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असल न्याय तब मिलेगा जब सभी आरोपियों को कड़ी सजा होगी। वहीं मीनाक्षी ने बताया कि योगी सरकार और न्यायालय पर मुझे पूरा भरोसा है कि उनके पति के मामले में न्याय जरूर मिलेगा। दरअसल मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण का लखनऊ के चिन्हट में 3 मंजिला मकान था, जिसे CM योगी आदित्यनाथ के आदेश पर ढहाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। बताया गया है कि यह मकान LDA से बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। यहाँ चिन्हट के सत्रिक रोड स्थित देवराजी विहार में जगत नारायण ने 900 स्क्वायर फीट में 3 मंजिला आलिशान मकान बनाया गया था, जिसे बुलडोजर ले जाकर ढा दिया गया। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर JN सिंह समेत 6 पुलिसकर्मी अभी जेल में बंद हैं।